गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट लेबर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में। आज मैं ट्राइग्लिसराइड्स को समझने में आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। वास्तव में ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये एक तरह के फैट्स हैं जो हमारे ब्लड में होते हैं, जो हम ऑयल यूज करते हैं जो खाते हैं, जो हम बटर यूज करते हैं जो खाते हैं, जो हम मार्गरीन यूज करते हैं खाते हैं, इन सब में ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये वास्तव में ट्राइग्लिसराइड्स जब हमारी इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो वास्तव में ये एब्जॉर्ब होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। बट सिर्फ यही सोर्स नहीं है। जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, पर्टिकुलरली जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो शुगर हम यू खाते हैं, हम मैदा यूटिलाइज करते हैं, इनमें जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी के अंदर ये वास्तव में ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये वास्तव में हमारी फैट सेल्स हैं उनमें जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट सोर्स। नो, दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या ट्राइग्लिसराइड्स ही कोलेस्ट्रॉल है? नहीं, ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां तक ट्राइग्लिसराइड्स का सवाल है, वो जैसा मैंने बताया कि वो हमारे फूड में से आते हैं या जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके कन्वर्ट होने से बन जाते हैं। बट ऑन द कंट्रेरी, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये वास्तव में ये एक वैक्सी या चिकना सा मटेरियल होता है जो वास्तव में हमारा लीवर बनाता है, हमारी इंटेस्टीन बनाती है। इन वास्तव में जो कोलेस्ट्रॉल है, हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी मेम्ब्रेन और हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनको बनाने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि मोस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप फैट खाएं तभी कोलेस्ट्रॉल बनेगा। ऑल दोज एनिमल्स जो कि वास्तव में सिर्फ प्लांट पर रहते हैं, जैसे हाथी है, कोई भी इस तरह के जानवर हैं जो सिर्फ जो है ना वेजिटेबल्स या जो ना पत्तियां वो खाते हैं, उनकी बॉडी में भी कोलेस्ट्रॉल ठीक अमाउंट में होता है। इसलिए कि कोलेस्ट्रॉल उनका लीवर और इंटेस्टिन बनाती है। ये बात सही है कि थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल हमारे फूड से भी आता है, बट दैट्स नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। नाउ जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आपके लिए हेल्पफुल हैं या ये वास्तव में आपके लिए मदद करते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि ये हमेशा नुकसान नहीं करते हैं, दे हेल्प यू आउट। अगर राइट अमाउंट में ट्राइग्लिसराइड आपकी बॉडी में है तो वास्तव में आपको ये मदद करते हैं। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये वास्तव में आपकी जो बॉडी है इसको स्टोर करती है फॉर एनर्जी, और एक बार स्टोर करती है तो जब भी जरूरत होती है तो इनको यूज कर सकती है फॉर एनर्जी पर्पस। तो जो स्टोर मटेरियल है वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो गए हैं, तो ये आपको एक हार्ट डिजीज का जो एक रिस्क है वास्तव में खड़ा करते हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि जो हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स हैं, या फॉर दैट मैटर बैड कोलेस्ट्रॉल है, या फॉर दैट मैटर एलडीएल है, तो एलडीएल सबसे ज्यादा रिस्क खड़ी करता है आपको हार्ट की प्रॉब्लम या ब्रेन स्ट्रोक को अभी की तैयारी करने में। नाउ जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, क्या वास्तव में आपका जो ब्लड है उसमें ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जो ट्राइग्लिसराइड हैं आपके ब्लड में तो होते हैं, लेकिन ब्लड में यहां से वहां मूव करने के लिए इनको वास्तव में लाइपोप्रोटीन्स चाहिए। आपका जो ब्लड है उसमें लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं लाइपोप्रोटीन के ऊपर राइड करते हैं, दैट्स हाउ ये आपकी बॉडी में ब्लड में इधर से उधर मूव करते हैं। ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं वास्तव में इसको जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं इनको ले जाते हैं, इन जो फैट सेल्स हैं उनको सौंप देते हैं, और फैट सेल्स में जाके ट्राइग्लिसराइड स्टोर हो जाते हैं, इन लाइपोप्रोटीन फ्री हो जाते हैं। जब लाइपोप्रोटीन फ्री हो जाते हैं तो दूसरे ट्राइग्लिसराइड को कैरी करते हैं, इन द सेम मूवमेंट बेसिकली कंटिन्यूज। तो इसलिए लाइपोप्रोटीन्स आपके ब्लड में चाहिए ट्राइग्लिसराइड को यहां से वहां मूव कराने के लिए। नाउ आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड कितना है ये आपको कैसे पता लगेगा? इसके लिए जरूरी है कि आपको एक ब्लड टेस्ट कराने की जरूरत है। वास्तव में आपका जो ब्लड टेस्ट है उससे ही आपको पता लगेगा कि आपके ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं एंड आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है। वास्तव में जो ब्लड टेस्ट है आपको 12 घंटे की फास्टिंग के बाद वास्तव में कराने की जरूरत है। जब आप ये ब्लड टेस्ट कराते हैं तो इट्स अ कॉम्बिनेशन, आप सीरम कोलेस्ट्रॉल कराते हैं, आप एक अपनी लिपिड की प्रोफाइल कराते हैं। जब आप ये एग्जामिनेशन कराते हैं ब्लड का तो पता लगता है कि आपके बॉडी के अंदर एचडीएल कितना है, दैट्स अ गुड कोलेस्ट्रॉल।
ये आपको बताता है कि LDL कितना है, दैट्स अ बैड कोलेस्ट्रॉल। ये आपको बताता है कि टोटल ट्राइग्लिसराइड्स आपकी बॉडी के अंदर कितने हैं, दैट इज व्हाट दिस जो ना ब्लड एग्जामिनेशन सेज। और इनके आधार पर भी आपको जो ना टोटल जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको वास्तव में कैलकुलेट किया जाता है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आपका ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो ज्यादा है तो वास्तव में ये हार्ट की जो प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज की जो प्रॉब्लम है इसका हमेशा रिस्क आपको खड़ा करता है। ये वास्तव में आपको स्ट्रोक का रिस्क भी खड़ा करता है कि कहीं स्ट्रोक तो नहीं आपको हो जाएगा। जहां तक हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल का सवाल है, आपकी एज, आपकी फैमिली हिस्ट्री, आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, इन सब चीजों पर फर्क पड़ता है कि आपका ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो वास्तव में कैसा होगा। नाउ एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि क्या मुझे फास्ट रखना चाहिए ट्राइग्लिसराइड को लेवल कराने के पहले। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम खाते हैं तो जो ट्राइग्लिसराइड है इसका जो एक लेवल है वो हमेशा बढ़ता है। जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है और भी चीजों से बढ़ता है, अगर आपको ओबेसिटी है यानी मोटापा है, अगर आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप ज्यादा आराम करते हैं एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आपका डाइट का कंट्रोल पुअर है एंड आप जो डाइट इरेगुलर करते हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर आपको क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, आप अल्कोहल ज्यादा यूज करते हैं तो वास्तव में आपका ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ जाता है। तो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वास्तव में जब आप चेक करते हैं तो वास्तव में उसके जो लेवल्स हैं उनको ध्यान से देखने की जरूरत है। ऐसे कौन से लेवल्स हैं जो आपके लिए सेफ हैं, ऐसे कौन से लेवल्स हैं जो आपके लिए डेंजरस हैं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम से नीचे है यानी 150 मिलीग्राम से नीचे है तो यह डिजायरेबल है, इसका मतलब आप सेफ हैं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से 200 के बीच में है, दैट मीन 150 से 200 के बीच में है तो यह बॉर्डरलाइन हाई है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 200 से 499 या 500 मिलीग्राम के बीच में है तो यह हाई है, और अगर यह 500 के ऊपर है तो इसे माना जाता है कि यह वेरी हाई है, और अगर वेरी हाई है तो एक रिस्क फॉर हार्ट डिजीज एंड रिस्क फॉर स्ट्रोक वो काफी ऊपर की तरफ चला जाता है। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर आपका जो ट्राइग्लिसराइड है ऊपर की तरफ भी होते हैं तो क्या वास्तव में आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, क्या आपको कुछ पता लगेगा कि आपको वास्तव में ट्राइग्लिसराइड ऊपर की तरफ है या ऊपर की तरफ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली विडंबना यह है कि आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड ऊपर होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऊपर होता है एंड आपको कुछ पता नहीं लगता है। ये वास्तव में जब आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तभी सामने आता है कि ये आपके ट्राइग्लिसराइड तो बहुत ऊपर की तरफ हैं, या ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल के चलते आपको कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपको हार्ट का अटैक आ जाता है, आपको ब्रेन का स्ट्रोक हो जाता है, तब आपको पता लगता है कि अरे आपके तो कोलेस्ट्रॉल एंड आपके ट्राइग्लिसराइड काफी ऊपर की तरफ हैं। तो इसलिए जो हाई जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वास्तव में आपको हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक इसका रिस्क तो खड़ा करते हैं। इसलिए आफ्टर अ सर्टेन एज पर्टिकुलरली 45 उसके बाद आपको रेगुलरली अपनी लिपिड प्रोफाइल इन कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें वास्तव में ध्यान देना चाहिए और उन्हें चेक कराने की जरूरत है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है लिपिड गड़बड़ होने की, आपके पेरेंट्स में से किसी को डिसलाइपिडीमिया है, आपके सिबलिंग्स में किसी को डिसलाइपिडीमिया है तो आपको चेक कराने की जरूरत है। आपकी एज 45 ईयर से ऊपर है आपको चेक कराने की जरूरत है। आपको अपने जेंडर को वॉच करने की जरूरत है कि फीमेल है कि मेल है, उसके हिसाब से आपको चेक कराने की जरूरत है। आप ये देखिए कहीं आपको कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, पर्टिकुलरली डायबिटीज तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको अपने लिपिड को चेक कराने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर आप कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं जो कि लिपिड्स को गड़बड़ करने की ताकत रखते हैं तो वास्तव में आपको चेक कराने की जरूरत है। से फॉर एग्जांपल आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, मेथोट्रेक्सेट ले रहे हैं तो आपको अपना जो लिपिड प्रोफाइल है या ट्राइग्लिसराइड है उसको चेक कराने की जरूरत है। एंड आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, वो डिसाइड करेंगे कि आपको किस इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। नाउ से फॉर एग्जांपल आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये सामने आया कि आपका जो ट्राइग्लिसराइड है वो ऊपर की तरफ है, तो फिर ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि अब क्या करने की जरूरत है। नाउ अगर ट्राइग्लिसराइड ऊपर है तो बहुत सिंपल मेजर्स की जरूरत है जो आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज से कर सकते हैं। आपको ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अपनी डायबिटीज, अपनी थायराइड और लिवर सम फंक्शंस इनको चेक कराने की जरूरत है कि इनके चलते तो आपके जो लिपिड्स हैं वो गड़बड़ नहीं हो रहे हैं। कभी कभी कॉम्बिनेशन होता है कि आपने ट्राइग्लिसराइड कराए वो बढ़े हुए निकले, आपने उसी समय अपना थायराइड कराया वो भी डिरेंज निकला, आपने उसी समय अपनी शुगर कराई वो भी बॉर्डर लाइन गड़बड़ निकली। तो यूजुअली इट इज द कॉम्बिनेशन विच कम्स इनटू द प्ले जो आपको वॉच करने की जरूरत है।
नाउ अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर हैं तो क्या डाइट मैटर करती है? डाइट बिल्कुल मैटर करती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट इज नॉट ओनली द फैट्स जो आप खाते हैं आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट होते हैं, वास्तव में सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या सिंपल जो स्टार्च है जो आप खाते हैं, वास्तव में ये अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होते हैं और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर आपकी जो फैट सेल्स हैं उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, इन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आपको देखने की जरूरत है कि आपको अपनी जो डाइट है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करने की जरूरत है और जो सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको वास्तव में एलिमिनेट करने की जरूरत है। ऐसे ही अगर आप सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा लेते हैं, पर्टिकुलरली आप एनिमल फैट्स अगर ज्यादा लेते हैं, तो आपके ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर रहने की संभावना है। ऑन द कंट्रेरी, अगर आप प्लांट बेस्ड फैट्स ज्यादा यूटिलाइज करते हैं या फॉर दैट मैटर मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, एंड उस तरह के जो ना ऑयल्स जो कि प्लांट सोर्स से आते हैं, नट से आते हैं या फैटी फिश से आते हैं, ये वास्तव में आपको हेल्प करते हैं एंड आपके ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है उसको नीचे की तरफ रखते हैं। नाउ एज फार एज द वेट इज कंसर्न, साइंस इज वेरी क्लियर कि किसी भी स्टेज पर आपका जो वेट है और आपके ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर हैं, तो अगर आप 5-10% भी अपना वेट नीचे की तरफ कर देते हैं तो बाय एंड लार्ज अगर आपने डाइट कंट्रोल की, आपने एक्सरसाइज की, आपने अपना वेट कंट्रोल किया, तो ट्राइग्लिसराइड्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो अगर आप जो है एक्सरसाइज करते हैं तो वास्तव में ट्राइग्लिसराइड को बैलेंस करने में आपको काफी फर्क पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं फॉर दैट मैटर 30 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक, तो साइंस ऐसा मानती है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपके कोलेस्ट्रॉल, आपका ट्राइग्लिसराइड दोनों ही नीचे आने की जो है ताकत होती है। ये जो एक्सरसाइज है आप सिंगल स्ट्रेच में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं, एंड ऐसा माना जाता है कि वास्तव में ये एरोबिक एक्सरसाइज है जो आपकी हार्ट बीट्स को जो बढ़ा के चलती है वो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा मदद करती है। नो व्हाट अबाउट अल्कोहल? जहां तक अल्कोहल का सवाल है, ये नुकसान ही करती है, अल्कोहल कोई हेल्प नहीं करती। अल्कोहल वास्तव में सिंपल शुगर्स की कैटेगरी में आती है, ये आपको बिल्कुल एम्प्टी कैलोरीज देती है। इन अल्कोहल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसमें जो कैलोरीज हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होते हैं और आपके जो ट्राइग्लिसराइड का जो अमाउंट है उसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इन आपको कॉम्प्लिकेशंस की तरफ पुश करते हैं। नाउ अगर आपके ट्राइग्लिसराइड्स ऊपर की तरफ हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको अपनी डाइट को ठीक मैनेज करने की जरूरत है। उस डाइट में आपको देखने की जरूरत है कि आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, आप कहीं सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं, आपको देखने की जरूरत है आप ट्रांस फैट यूटिलाइज तो नहीं कर रहे हैं, आपको जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपको लीन प्रोटीन्स चाहिए, इन आपको प्लांट बेस्ड ऑयल्स चाहिए जो वास्तव में आपका जो एक डाइट है उसको ठीक करके रखें। फॉर दैट मैटर जो मेडिटेरेनियन डाइट है या डेस डाइट है, दीज आर टू डाइट्स जिन पर आपको शायद ध्यान देने की जरूरत है। आपको रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करने की जरूरत है, इन आपको एक ऑप्टिमम वेट मेंटेन की जरूरत है सो दैट आपका जो BMI है वो 24-25 के बीच में रहे। इन सब के बावजूद अगर आपको लगता है कि आपके जो ट्राइग्लिसराइड के लेवल हैं वो नीचे की तरफ नहीं आ रहे हैं तो फिर मेडिसिंस के बिना काम नहीं चलेगा। अगर जो है वो नहीं कंट्रोल आ रहे तो फिर आपको मेडिसिंस चाहिए। जो मेडिसिंस हम यूटिलाइज करते हैं वो 4 ग्रुप में आती हैं। नंबर 1 दे आर द स्टेटिन्स जो सबसे ज्यादा यूटिलाइज किए जाते हैं, चाहे वो एटोरवास्टेटिन हो, रोजोवास्टेटिन हो, बट स्टेटिन्स आर द फर्स्ट लाइन जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। नंबर 2 पर आते हैं ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स जो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो हम यूज भी करते हैं। नंबर 3 पर आते हैं नाइसिन सप्लीमेंट्स जो हम कभी यूज करते हैं। इन नंबर 4 पर आते हैं फाइब्रेट्स, जैसे क्लोफाइब्रेट्स जैसी जो दवाइयां हैं उन्हें हम यूटिलाइज करते हैं टू रिड्यूस द लेवल ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। तो जहां तक ट्राइग्लिसराइड्स का सवाल है, ये डाइट से भी आते हैं लेकिन जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप ज्यादा खाते हैं ये वास्तव में कन्वर्ट होकर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इन ये वास्तव में हमारी फैट सेल्स में जमा हो जाते हैं, और अगर के अमाउंट इनकी ज्यादा है तो ये वास्तव में आपको जो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक ये दोनों का रिस्क काफी ऊपर की तरफ खड़ा करते हैं। तो अगर इसे ठीक करना है तो आपको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट चाहिए, दैट मींस आपको डाइट मैनेजमेंट चाहिए, आपको एक्सरसाइज चाहिए, आपको एक ऑप्टिमम वेट मैनेज करने की जरूरत है, और इसके बावजूद भी अगर आपका जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऊपर ही की तरफ है, तो वास्तव में आपको मेडिकेशन की जरूरत है। जो मेडिकेशंस हैं वो 4 ग्रुप में आते हैं, उन्हें आप अपने डॉक्टर की मदद से लीजिए सो दैट आपके जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो सेफ लेवल में रहें। एंड सेफ लेवल क्या है? 150 मिलीग्राम
पर ml, दैट मीन्स 150 मिलीग्राम इससे नीचे होना चाहिए। 150 से 200 के बीच में ये बॉर्डर लाइन हाई है, जो 200 है से 500 के बीच में ये हाई है, और अगर 500 के ऊपर है अनफॉर्चुनेटली तो ये वेरी वेरी हाई है और ये डेंजरस है। अगर आप समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड को समझने में ये वीडियो आपको मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर, थैंक यू वेरी मच।